तेरे पास दो ऑप्शन है, पहला उसे यहां बुला, तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुम दोनों को एक साथ यही मारूंगा। और भी कोई डायलॉग बाकी है? जब वो आएगा तो ऑप्शन नहीं, एक्शन हो। मेरे देश में तुम लोगों ने मुझसे 17 ब्लास्ट करवाए, तो क्या एक बार मैं तुम्हारे मुल्क में नहीं कर सकता? कोई तो होगा। बागी फ्रेंचाइजी का गोलमाल फ्रेंचाइजी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है और मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम फिल्म बागी 4 के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। आपको लगता होगा कि बागी का गोलमाल के साथ क्या रिलेशन हो सकता है रोहित शेट्टी, क्योंकि रोहित शेट्टी की ज्यादातर फिल्मों की तरह बागी भी फेमस है एक्शन के लिए। क्या हम ये रिलेशन लेकर आए हैं? जी नहीं, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि गोलमाल की तरह बागी भी बॉलीवुड की एक लीडिंग फ्रेंचाइजी है जिसको लोग बहुत ज्यादा देखना पसंद करते हैं। गोलमाल की अब तक गोलमाल अनलिमिटेड, गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 3 और गोलमाल अगेन आ चुकी हैं और चारों के चारों सुपर सक्सेसफुल हैं। और उसी तरह बागी की भी अब तक की सारी फिल्में रिकवरी के साथ ह्यूज प्रॉफिट भी ला चुकी हैं। दोनों फ्रेंचाइजी सिर्फ डोमेस्टिकली ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी पॉपुलर रही है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड में तो गोलमाल अगेन कोविड का सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद रिलीज हुई थी और काफी हिट भी रही। अब दोनों ही फिल्मों ने नाम किसी पुरानी फिल्म से नाम लिया गया है, तो गोलमाल फिल्म का नाम रोहित शेट्टी की फिल्म 1979 की रिकेश मुखर्जी की फिल्म गोलमाल से लिया गया था, जो उस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर थी। और 70s में जब एंग्री यंग मैन का दौर चल रहा था, तब एक लाइट ह्यूमरस फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें एक्टर अनमोल पार्क पालेकर को डबल रोल में देखा गया था। इस फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस करने के साथ अमोल पालेकर को अपने डबल रोल के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। बोल बच्चन भी इसी फिल्म पर लूजली बेस्ड थी। पता चलता है कि पुरानी गोलमाल को अपने अंदाज में रणवीर सिंह के साथ और उस फिल्म का नाम दिया है सर्कस, जिसमें उनके साथ पूजा हेगड़े और जैकलिन फर्नांडिस भी दिखने वाली है। खैर, इसकी बात करेंगे अगली वीडियो में, तो फिल्म सर्कस से जुड़ी होगी। फिलहाल अभी वापस आते हैं फिल्म बागी 4 पे। तो बागी का नाम भी इसी तरह 1990 में रिलीज की गई सलमान खान की फिल्म बागी से लिया गया है। और फिल्म में सलमान के साथ मोनिश बहल, साउथ की एक्ट्रेस नगमा और शक्ति कपूर भी नजर आए थे। इस फिल्म ने भी यंग सलमान को काफी फेमस कर दिया था और फिल्म में एक्शन के साथ सलमान रोमांस भी करते नजर आए हैं। सलमान को पहले एक एक्शन हीरो नहीं बल्कि रोमांटिक हीरो माना जाता था। मजे की बात यह है कि ओरिजिनल बागी के हीरो सलमान खान और न्यू एज बागी टाइगर श्रॉफ अपने एक्शन फिल्म्स के लिए जाने जाते हैं। दोनों फिल्म्स के गाने विशाल शेखर के फेमस म्यूजिक कंपोजर डुओ ने किया है और दोनों फिल्म्स के गाने काफी हिट भी हुए हैं। गोलमाल अगेन में जैसे अजय देवगन का ही गाना नींद चुराई मेरी रिमिक्स किया गया था, वैसे ही बागी 3 में भी विशाल शेखर का ही गाना 10 बहाने रिमिक्स किया गया और 80s के गाने एक आंख मारू तो भी रिमेक किया गया। जैसे कि गोलमाल की आखिरी फिल्म गोलमाल अगेन 2013 में आई हुई एक साउथ इंडियन फिल्म शोधुम कबुम की रिमेक है और बागी 3 भी साउथ फिल्म वेट्टाई का रिमेक बताया गया था। अभी आप बोलिए कि हम गोलमाल जैसी कॉमेडी सीरीज के साथ बागी जैसी एक्शन सीरीज को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? ये सवाल तो आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। तो बता दें कि गोलमाल 5 भी जल्द आने वाली है, इसमें अजय तो होंगे और हो सकता है कि शायद इनके साथ इस बार आलिया भट्ट नजर आएंगी, तो आलिया भट्ट फैंस के लिए तो ये काफी अच्छी खबर है। तो ऐसे में बागी 4 और गोलमाल 5 के साथ एक साथ रिलीज होने की संभावना है। आपको क्या लगता है कौन सी फ्रेंचाइजी क्लैश में जीत हासिल करेगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो की स्क्रिप्ट को साई श्रेष्ठ दास ने लिखा है। अलविदा।